नमस्कार, स्वागत है सभी का न्यूज़रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ वकील अनुपमा। टीवी का पॉपुलर शो है। शो की कहानी से लेकर एक्टर्स तक सभी चर्चा में रहते हैं और हाल ही में शो के फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर आई। सीरियल अनुपमा को कुछ दिन पहले ही सुधांशु पांडे ने अलविदा कह दिया। शुशा सुधांशु पांडे के जाते ही अनुपमा को लेकर ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि अब वनराज का रोल कौन निभाएगा, क्योंकि फैंस का मानना है कि शो में वनराज का रोल सुधांशु पांडे से बेहतर और कोई नहीं निभा सकता। हालांकि दर्शकों को यह भी कहना था कि रोनित रॉय अनुपमा में वनराज के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद से अटकलें भी लगनी शुरू हो गई, लेकिन एक्टर रोनित रॉय वनराज का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अब उन्होंने खुद इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। अनुपमा से सुधांशु पांडे के जाने पर कई मीडिया हाउस ने पोल शेयर कर लोगों से जानना चाहा कि कौन सा एक्टर वनराज के रोल के लिए परफेक्ट साबित होगा। इस पर लोगों ने ज़्यादातर रोनित रॉय का नाम लिया। इसके बाद से अटकलें लगने लगी कि वो शो में कदम रख सकते हैं, लेकिन फिल्मी बीट ने उनसे जुड़कर मामला पता करने की कोशिश की। वहीं अनुपमा में कदम रखने की बात पर रिएक्शन देते हुए रोनित ने कहा कि वो वनराज शाह के रोल में नजर नहीं आने वाले। शो में उनकी एंट्री की जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बता दें कि अनुपमा में वनराज के किरदार के लिए एक और एक्टर का नाम सामने आया था, वो और कोई नहीं बल्कि पंकित ठक्कर है। अनुपमा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पंकित ने वनराज के रोल के लिए लुक टेस्ट भी दिया था, लेकिन खुद अब पंकित ने कह दिया है कि वो अनुपमा नहीं कर रहा है। साथ ही मेकर्स ने इस सिलसिले में उनकी कोई बात नहीं हुई। बता दें कि जब तक मेकर्स को नया वनराज शाह नहीं मिल जाता है, तब तक मेकर्स शो में धांसु ट्विस्ट लेकर आ चुके हैं। अनुपमा में वनराज शाह को फरार बता दिया गया है। लेटेस्ट एपिसोड में भी आपको देखने को मिलेगा कि शाह हाउस में कुछ लोग गुंडों के साथ घुस जाते हैं और खुलासा करते हैं कि वनराज शाह करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। ये सब सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है और अब कहानी में तोशु नया ट्विस्ट लाएगा। तोशु वनराज की गद्दी हड़प लेगा और शाह हाउस का करता धरता बन जाएगा। खैर, फैंस को सिर्फ वनराज शाह का इंतजार है। फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे।